ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रात के दोस्तों बज चुके हैं 8 और 8 बजे हम और आप हाजिर हैं अपने इस सेशन के साथ। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि हर रात हम लोग शाम को रात को 8 बजे 50 क्वेश्चंस का सेट करते हैं मेरे दोस्तों। 50 क्वेश्चंस होते हैं और इन 50 क्वेश्चंस के अंदर में हम शॉर्ट डिस्कशन भी करते हैं। तो रात के बज चुके हैं 8, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 11 मई के दिन हमारा बैच शुरू हुआ है। ये हमारा क्रैश कोर्स है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा क्रैश कोर्स। और अगला जो है 18 मई को शुरू हो रहा है हमारा क्रैश कोर्स। फाउंडेशन बैच हमारा 12 मई को शुरू हुआ है मेरे दोस्तों, और अगली बैच जो है 19 मई को आ रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा, 7 सुपरस्टार एजुकेटर भी इसमें पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम का बैच है जो अचीवर बैच, 8 महीने का ये बैच है मेरे दोस्तों, इंग्लिश मीडियम में होगा। मेरी क्लासेस 1 अक्टूबर से लगेंगी, 1 अक्टूबर से, याद रखिएगा 1 अक्टूबर से मेरी क्लासेस लगने वाली है। 1 अक्टूबर से मेरे दोस्तों क्लासेस लगने वाली हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज अंतिम दिन है, अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप 12 महीने के साथ 2 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलने वाला है, यानी 14 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। रेफरल कोड तो आपको याद ही होगा, SSR10। चश्मा मेरा दूर का खराब है, नजदीक मेरा ठीक है, आप चिंता ना करिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करें क्लास को, शुरू करें। एक बार थम्स अप करिए, फटाफट मारिए, दबा के थम्स अप एक बार में एकदम। SSR10 का रेफरल कोड, 1 ईयर की जो फीस है वो है हमारी 7920 और 2 साल की जो फीस है वो है 11520 मेरे दोस्तों, याद रखिए। पहला क्वेश्चन, कंड वंश की स्थापना किसने की थी? देवभूति ने, वासुदेव ने, देवभूषि, वासुदेव, सुसरमन और सातवाहन। जी हाँ जूही जी, इंग्लिश मीडियम का फाउंडेशन बैच 14 मई को, यानी कल शुरू हुआ है, 14 मई को शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा। कंड वंश की स्थापना किसने की थी? देवभूति ने, वासुदेव ने, सुसरमन ने और सातवाहन ने। गलत मत कीजिएगा मेरे दोस्तों, 1 2 3। कंड वंश के बारे में पूछ रहा है, आप भी जानते हैं दक्षिण भारत के अंदर की यह कंड वंश है, बहुत बढ़िया। टाइम हो चुका है, अब करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों वासुदेव। याद रखिएगा, कंड वंश का जब नाम आता है मेरे दोस्तों तो वासुदेव का नाम आता है, और वासुदेव कौन थे? तो वासुदेव जो है देवभूति के, कहां के थे मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, देवभूति के अमात्य हुआ करते थे। उन्होंने देवभूति की हत्या कर दी लास्ट में, और देवभूति की हत्या करने के बाद एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम कंड वंश था, इस बात को याद रखिएगा। इन्होंने कहां शासन किया था? तो मगध के इलाके पर शासन किया था, मगध के इलाके पे, याद रखिएगा। सुसरमन के बारे में बता देता हूं, कौन था सुसरमन? आखिरी ग्रामीण राजवंश का राजा था जिसने अंधरास को, अंधरास एक शासक हुआ करते हैं, आपने पढ़ा होगा, अंधरास को उखाड़ फेंका था, ग्रामीण राजवंश का अंतिम शासक था। यद्यपि आंध्र जब आते हैं आंध्र वाले लोग, तो आंध्र क्या करते हैं, वो कंड को भी उखाड़ फेंकते हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। बिहार की शासन में, बिहार की राजनीति में कंड वंश का इतिहास बहुत ही जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंदिरा नेवी 20 भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास है? ध्यान रखिएगा, मंगोलिया, रूस, नेपाल, चीन। पोल लगाइए, 1 2 3। आपका जो पोल का टाइमिंग होगा मैं बता रहा हूं, 5 से 6 सेकंड होगा, जल्दी से पोल लगा लीजिएगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। 5 से 6 सेकंड टाइम हो गया। अब करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों बी ऑप्शन, रसिया। याद रखिएगा, इंदिरा नाम के साथ ही याद रखिएगा, जब इंदिरा आ जाए ना IND, तो IND इंडिया का होता है और R जो है रसिया का हो जाता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, रसिया का। और ये जो हुआ है ये कब हुआ है? तो 2020 में हुआ है। ये कितनी बार है? तो 11वां संस्करण है। कहां होगा? तो बंगाल की खाड़ी में होगा। कहां होगा? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में होगा मेरे दोस्तों, याद रख लीजिएगा, आपको पता ही है। इसके अलावा पहला संस्करण कब हुआ था? तो 2003 के अंदर में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और लास्ट में जो COVID-19 की महामारी आई तो उसमें लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया था। अच्छा, मंगोलिया और भारत के बीच सैन्य अभ्यास होता है, उसको क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको मुझे पता है, नहीं पता होगा, घुमंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? घुमंतु। मंगोलिया और भारत के बीच घुमंतु कहते हैं। जबकि अगर सूर्य किरण किसके बीच में होता है? भारत और नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण, याद रखिएगा, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा MSME के लिए प्रारंभ की गई प्रौद्योगिक आधारित मंच का नाम क्या है? अभी अभी मोदी जी ने किया था चैंपियन निर्भर विजेता संभावना। आपको पता है कि मोदी जी आजकल कौन से आत्म डैश की बात करते हैं? पोल लगाइए, 1 2 3। जी नॉर्मेडिक मंगोलिया का ये है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। टाइम हो गया आप मेरे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा चैंपियन। चैंपियन इज द करेक्ट आंसर, MSME है, ध्यान रखिएगा, चैंपियन होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, उनके लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड
मतलब उनके लिए निर्माण में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें और कैसे दूर दूर तक के इलाकों में अपने आप को पहुंचाएं, उसके लिए ये शुरू किया गया। याद रखिएगा देश में 69 ऐसे मंच हैं जहां से इसकी शुरुआत हुई है। अर्थशास्त्री खुफिया इकाई यूके, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कहते हैं यूके के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत की स्थिति क्या है। लोकतंत्र सूचकांक में 41, 42, 41, 51, 72, 45 पोल लगाइए, 1, 2, 3। थोड़ा फास्ट रहिए, आप धीरे चल रहे हैं, थोड़ा फास्ट रहिए, आप धीरे चल रहे हैं भैया, थोड़ा फास्ट रहिए। टाइम अप, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों बी ऑप्शन, पोलिंग टाइम 5 to 6 सेकंड है, ध्यान रखिएगा 5 से 6 सेकंड। 51वीं रैंक है 2020 के अंदर में, हुआ था आपको पता है कि 167 देश के अंदर में लोकतंत्र अभी दुनिया के अंदर में है, जिसमें भारतीय लोकतंत्र का जो स्थान है वो कितने नंबर पे है, तो 51 पे है। नंबर वन पे कौन है मेरे दोस्तों, नंबर वन पे जरा बताइए कौन है, तो नंबर वन पे याद रखिएगा नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे। नॉर्वे जो है नंबर वन पे है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। नंबर दो पे कौन है, तो आइसलैंड है। कौन है? आइसलैंड है। और नंबर तीन पे कौन है, तो स्वीडन है। स्वीडन नंबर तीन पर है। अंतिम स्थान पे कौन है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, 168, 17 पे कौन है? पाकिस्तान ने, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2020 में भारत के लिए सतत विकास लक्ष्य इन्वेस्टर मैप को लॉन्च किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की यहां पे बात कर रहा है मेरे दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य इन्वेस्टर की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इन्वेस्ट इंडिया, NITI, नीति इंडिया एंड बोथ 1 और 2, पोल लगाइए 1, 2, 3। हम 2020 के रैंकिंग की बात कर रहे थे देवा भाई, 2021 में 53वें स्थान पे है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टाइम अप हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, ये दोनों सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। UNDP और इन्वेस्ट इंडिया, इन दोनों ने मिलकर किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपको पता है ये कब पूरा करना है, 2030 में करना है। 17 लक्ष्य है इसके अंदर में, 17 गोल्स है याद रखिएगा, और पूरी दुनिया को इसमें हासिल करना है इन गोलों को, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा एक बात छोटा सा 10 सेकंड का, आप लोगों में से बहुत आदमी के मैसेज आते हैं फीडबैक बॉक्स में, किस तरह आप बहुत स्पीड में कराते हैं, स्पीड स्लो कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी स्पीड को स्लो कर दूं तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर एज इट इज रहने दीजिए तो नो लिखिए। नेक्स्ट ऑप्शन, क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा राजकीय अध्यादेश, फरूख सियार का फरमान, पलासी के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि और 1853 का चार्टर एक्ट, याद रखिएगा, पोल लगाइए 1, 2, 3। मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, टाइम अप मेरे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा फरूख सियार का फरमान। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1717 ईस्वी के अंदर में मेरे दोस्तों 1717 ईस्वी के अंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा था, मैग्ना कार्टा कहा गया, किस चीज को कहा गया, जो मुगल सम्राट फरूख सियार होते थे, मतलब फरूख सियार का मतलब है कि लेटर मुगल पीरियड की बात कर रहे हैं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु कब होती है 1707 में होती है, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी टाइम पीरियड आता है उसको हम लोग उत्तर मुगल काल कहते हैं। तो इसी फरमान फरूख सियार ने जारी किया था, और फरूख सियार के फरमान जारी करने के बाद कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद, इन तीन जगह बहुत सारे विशेषाधिकार मिल गए थे, है ना, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपको पता भी होगा कि 3,000 रुपए का वार्षिक भुगतान, ये सब पूरी बातें हुई थी, आप जानते होंगे। बिहार पंचायती अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, 2004, 2005, 2003, 2006, पोल लगाइए 1, 2, 3, थोड़ा फास्ट लगाइए, फास्ट 5 से 7 सेकंड, ज्यादा टाइम मत लीजिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम, आपको पता है, टाइम हो गया अब, करेक्ट आंसर है 2006 में मेरे दोस्तों, इसलिए मैं 2006 में कह रहा हूं, अधिनियम तो है 1993 में अधिनियम है, लेकिन 2006 के अंदर में इसमें संशोधन किया गया, और उसका संशोधन कब हुआ, तो 2006 के अंदर में हुआ था, याद रखिएगा। क्या संशोधन हुआ था इसमें, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम कचहरी, इन 5 संस्थाओं की स्थापना की बात की गई थी, 5 संस्थाएं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम कचहरी, इनकी स्थापना, इनकी शक्तियां, इनके कर्तव्य, इनकी कार्यपालिका, इनकी भूमिका, इनके पैसे कहां से आएंगे, इन सब चीजों पर बात की गई थी। नेक्स्ट, अगस्त 2020 के अंदर में पंचायती राज के बारे में आपको पता है 73वां और 74वां संविधान संशोधन, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसमें आया और ये किसमें आया, ठीक है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, शिंजो आबे किस देश के प्रधानमंत्री हैं, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, मंगोलिया, पोल लगाइए 1, 2, 3। अरे भाई सीट नहीं है, बोल दीजिए ना कि सीट फुल हो गया, फोन इतना फोन आ रहा है, कौन उठाएगा, बोल दीजिए कि सीट नहीं है। टाइम अप है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों जापान।
जापान याद रखिएगा, सिंजो एबे, आप जानते होंगे सिंजो एबे के बारे में मेरे दोस्तों, इतिहास में, इतिहास के अंदर में, पूरी दुनिया के इतिहास में अगर सबसे लंबे समय तक किसी ने सेवा की है तो जापान के सिंजो आबे ने की है, सिंजो आबे ने किया। लास्ट में उन्होंने 28 अगस्त को इस्तीफा दे दिया और क्या कहा कि मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी, वो बड़ा दुखी थे अपने मंत्रिमंडल से। इसलिए अब दुनिया के अंदर में, दुनिया के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री जापान के थे सिंजो एबे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ये कर दिया। और ये 63 साल के मात्र थे और 63 साल के होने के लिए, 63 साल के होने के लिए इनके जगह पर इनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया गया, और स्वीकार करने के बाद दूसरे व्यक्ति को वहां पे बना दिया गया, है ना। इन्होंने बताया कि हम कोलाइटिस नाम की बीमारी से ग्रसित हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं, है ना। एक हॉर्स पावर बीपीएससी का क्वेश्चन है, गलत मत कीजिएगा, 66वीं का क्वेश्चन है, 65वीं का है, 736 748 748 756, पोल लगाइए 1 2 3। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है? घोड़ा वाला हॉर्स होता है, शक्ति का उदाहरण दिया जाता है, इसलिए इसका नाम हॉर्स है कि घोड़े की जैसी जो शक्ति हो। टाइम अप, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, याद रखिएगा बी ऑप्शन 746 मेरे दोस्तों, 746। आपको पता है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट की एसआई यूनिट क्या होती है? शक्ति जो होता है किस चीज का, काम, ऊर्जा। ये किस तरह का राशि है? तो आदिश है, याद रखिएगा आदिश राशि है, आदिश। सौरभ, सौरभ फोन ले जाओ यहां से, तो फोन, दोनों फोन हटाओ, चार्जर लेके उधर लगा दो। टाइम अप, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 746 वाट। 746 वाट क्यों कहते हैं? एक एचपी के बराबर होता है, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, 746, ध्यान रखिएगा। और ये क्यों यूज किया जाता है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कहां यूज होता है? ऑटोमोबाइल में। आप सुनते होंगे ना कि एक एचपी का मोटर है, 2 HP का मोटर है, और सबसे पहले कहां यूज हुआ था? तो स्टीम इंजन में यूज हुआ था। कहां यूज हुआ था? स्टीम इंजन में, याद रख लीजिएगा, सवाल पूछता है स्टीम इंजन, उसी को तो जेम्स वाट ने किया था, जेम्स वाट के नाम पे हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें कमरे के तापमान पर जल के साथ समान भौतिक अवस्था होती है? मतलब क्या कहना है, किसमें कमरे के तापमान पर जल के साथ समान? ओके, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। मैंने बताया था कि यहां रखिए, यहां कमरे में रखिए और ये पिघल जाएगा एकदम लिक्विड नॉर्मल टेम्परेचर पे, याद है मैंने बताया था। टाइम अप हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। ब्रोमीन क्या होता है? कलरलेस होता है, और कभी कभी जब कलर दिखता है तो लाल और भूरा का मिश्रण दिखता है, याद रखिएगा। इसका ये कितना है? हैलोजन ग्रुप का एनिमल है, आपको पता है ये क्या है? हैलोजन। ब्रोमीन का क्या लिखते हैं? BR लिखते हैं। कितने समूह है टोटल पीरियोडिक टेबल में? 17 समूह है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली को ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शुरू की गई सहायक संधि पर लागू नहीं होता है? सहायक संधि के बारे में, अन्य खर्च पर एक बड़ी सेना को बनाए रखने के लिए, ये तो सही बात है, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित, एकदम सही, डराया था। कंपनी में एक निश्चित आय को सुनिश्चित करना, और भारतीयों राज्यों पर ब्रिटिश सर्वोपरिता को स्थापित करना, गलत बात। उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से ज्यादा, पोल लगाइए 1 2 3। सर ए होगा, ए कहां से होगा मेरे भाई, ये बता दो, ए कैसे होगा? लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि नहीं पढ़े हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉर्ड वेलेजली का द्वारा सहायक संधि किया गया था। लॉर्ड वेलेजली क्या किया था? अंग्रेज के जो नियंत्रण में जितनी भी रियासतें थी, वो चाहता था कि अंग्रेज के सारी रियासतें अंग्रेज के नियंत्रण में आ जाए, इसीलिए उसने जो नीति अपनाई थी, उसने क्या किया था? गैर हस्तक्षेप की नीति, गैर हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी उसने, कि हम किसी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और बोला कि नेपोलियन आ रहा है और तुम लोग नेपोलियन के साजिश के शिकार हो जाओगे। भारत के अंदर में फ्रांसीसी शक्तियां भी उस समय हुआ करती थी, और उसी फ्रांसीसी शक्तियों से भी इसने मुकाबला किया था, और ब्रिटेन का वर्चस्व को बनाए रखने में ये काम हुआ था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? बाल गंगाधर, राजा राम मोहन राय, महागोविंद रानाडे और स्वामी विवेकानंद, पोल लगाइए 1 2 3। राहुल जी अगर समझना होगा मेरे भाई तो प्लस कोर्सेज में एडमिशन ले लीजिए, इतना से ज्यादा हम यहाँ पे नहीं बोल पाएंगे, 50 क्वेश्चन कराना होता है, 60 मिनट का टाइम होता है, आप अपने दिल से पूछिएगा कि मैं डिस्कशन कैसा कराता हूं, दिल से। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों बी ऑप्शन, राजा राम मोहन राय, जिनको आप जानते हैं समाज सुधारक, भारतीय, भारत के अंदर में पहला समाज सुधारक कौन? राजा राम मोहन राय हुआ करते थे। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना कब की थी? तो 1815 में की थी आत्मीय सभा की स्थापना। और क्यों किया था? क्योंकि चाहते थे कि धार्मिक रूप से प्रचार प्रसार हो और धार्मिक विषयों की स्वतंत्रता हो, धार्मिक विषयों के बारे में लोग जाने। हिंदू धर्म ग्रंथों का इजराइल डिस्ट्रॉयड अल जजीरा बिल्डिंग इन गाजा, इजराइल तो इस बार हमको लग रहा है कि गाजा को कैप्चर कर लेगा, पता नहीं मेरे अंदर से ये वाइब आ रहा है कि इस बार इजराइल जो है गाजा को नहीं छोड़ने वाला है, गलत हो रहा है, लेकिन ये दुनिया गलत रास्ते में जा रही है ना।
करेगा कैप्चर, मुझे भी यही लग रहा है, मुझे भी यही लग रहा है इस बार। लेकिन कोरोना के टाइम में नहीं करना चाहिए था ये सब, कोरोना के टाइम में नहीं करना चाहिए था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता पर क्या थी? कृषि, स्टील, बंदरगाह, इंडस्ट्रीज, इनमें से कोई नहीं, पोल लगाइए। 1, 2, 3 यस डेफिनेटली वी आर फेलिंग एज अ ह्यूमन, दिस इज द फेलियर ऑफ ह्यूमन फेलियर, बिल्कुल सही बात है। टाइम अप, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। प्लीज कमेंट बॉक्स में एक्स्ट्रा कमेंट मत कीजिए, मुझे एक घंटे में क्लास को खत्म करना है, सिर्फ मुझे बोलने दीजिए। आप कम बोलिए, आप सुनिए, आपका जो भी डाउट होगा लास्ट में पूछिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि। पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से लेकर 1956 तक। कौन सा मॉडल मेरे दोस्तों? तो हैरेट डॉमर मॉडल, हैरेट डॉमर मॉडल, याद रखिएगा हैरेट डॉमर मॉडल। और याद रखिएगा ये हैरेट डॉमर था और किसान को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। संसद के सामने किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था, ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और ये सफल हुआ कि फेल हुआ, तो इसको कह सकते हैं मॉडरेट था, हाफ फेल हाफ पास हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसके वास्तुकार कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना के एग्जाम में पूछता है हु वाज द आर्किटेक्ट, आंसर बताइए के एन राज हुआ करते थे, के एन राज, ये इसके आर्किटेक्ट हुआ करते थे पंचवर्षीय योजना के। दूसरे पंचवर्षीय योजना किस पर? 56 से लेकर 61 तक, महालोबोनिस मॉडल, औद्योगिक विकास, हैवी इंडस्ट्रीज को उसने बढ़ावा दिया था। ऐसे ऐसे करते करते देश में कितने पंचवर्षीय योजना? तो 12 पंचवर्षीय योजना, 12वीं पूरा नहीं हो पाया। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में कौन से प्रस्ताव को पारित किया जाता है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग, निंदा, कटौती, अविश्वास, पोल लगाइए। 1, 2, 3 टाइम अप, करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभियोग लाया जाता है मेरे दोस्तों। आपको पता होगा महाभियोग क्या है। महाभियोग भारत में, भारत के संसद के अंदर में लाया जाने वाला प्रस्ताव है, जिस प्रस्ताव के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है। महाभियोग एक तरह की किस तरह की प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा था, लोग गलती कर दिए थे। ये किस तरह की प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक है। किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 61 के अंदर में मेरे दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के अंदर में। और याद रखिएगा राष्ट्रपति का महाभियोग क्यों किया जाता है? एकमात्र अगर राष्ट्रपति एकमात्र आधार पर किया जाता है, यदि वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो याद रखिएगा संविधान का उल्लंघन इसी मुद्दे पर उनका किया जा सकता है, इसके अलावा किसी भी आधार पर राष्ट्रपति का महाभियोग नहीं हो सकता है। एक सवाल और बीपीएससी पूछता है कि महाभियोग की प्रक्रिया किससे शुरू होगी? राज्यसभा से कि लोकसभा से? तो याद रखिएगा किसी भी सदन से चलती है, किसी भी सदन से, किसी भी सदन में से कहीं से हो जाएगा। कैसे शुरू होती है? तो इसमें क्या होता है कि एक नोटिस देना होता है, उस नोटिस में 1/4 मेंबर का, जिस हाउस में प्रेजेंट किया जा रहा है उसके 1/4 मेंबर को उस पर सूचना दी जाती है, उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति को फोन किया जाता है और 14 दिन पहले नोटिस भेजा जाता है, 14 डेज बिफोर नोटिस भेजा जाता है। उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया होती है, उसके बाद उसमें वोटिंग कराई जाती है। अगर सदन के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव को पारित करते हैं, तो राष्ट्रपति जो है अपने कार्यकाल से उसी तारीख को हटा दिया जाता है, याद रखिएगा। भारत में आज तक कितनी बार हुआ है? आज तक कितनी बार भारत में महाभियोग हुआ है? बिहार के किन जिलों में गंडक नदी का बहाव है? गंडक, सिवान, चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। गंडक के बारे में पूछ रहा है। 1, 2, 3 तबस्सुम जी आप लेने वाली थी प्लस में, आज नहीं आई आप। नीतीश सिंह जी प्लस में नहीं आए अभी तक आप। कुमार आर्यन भाई, कुश कुमार, MN, कब दिखेंगे आप लोग प्लस में? टाइम अप, करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। ई ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्यों? क्योंकि गंडक के बारे में पूछ रहा है। गंडक आपको पता है कि पश्चिमी चंपारण भी जाती है, पूर्वी चंपारण भी जाती है उधर से, फिर मुजफ्फरपुर भी जाती है, मुजफ्फरपुर के बाद आती है तो गोपालगंज जाती है, गोपालगंज, गोपालगंज के बाद थावे होते हुए, थावे होने के बाद सीधा वो सिवान आती है, सिवान भी जाती है, सिवान के बाद आती है, सिवान के बाद आती है क्या बोलते हैं उसको, रसूलपुर, रसूलपुर से होते हुए, रसूलपुर से होते हुए एकमा आती है, एकमा, एकमा होते हुए छपरा पहुंचती है, छपरा पहुंचते हुए फिर छपरा आती है, फिर रिविलगंज, रिविलगंज के बाद, रिविलगंज के बाद छपरा, छपरा के बाद दिघवारा जाती है, फिर होते होते वैशाली चली जाती है और वैशाली जाके वैशाली जिले में समाप्त हो जाती है। अच्छा, गंडक के बारे में एक बात बताइए, गंडक कहां से निकलती है? तो तिब्बत के धौलागिरी से निकलती है, धौलागिरी से, है ना, धौला, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, धौलागिरी तिब्बत के अंदर में है, धौलागिरी के ठीक उत्तर से निकलती है और नेपाल के अंदर में त्रिवेणी है, आपको पता है त्रिवेणी के पास से भारत में घुस जाती है, ये यूपी में भी बचती है और भारत, यूपी बिहार दोनों के बीच में सीमा बनाती है। त्रिवेणी नदी जो नहर है त्रिवेणी, वो गंडक पे ही बना हुआ है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए बताए हैं।
सिवान जाती है मेरे भाई, सिवान जाती है, सिवान जाती है। सिकंदर जी मैप निकाल के देखिए, निम्न में से कौन सा देश तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है? गलती मत कीजिएगा, तंबाकू मार ऐसे ऐसे किया एकदम। तो तंबाकू चीन, भारत, यूएस, तुर्की है ना सिद्धांत, एकदम सिद्धांत ऐसे ही करता है। एक दिन देखें सिद्धांत को बक्सर बस स्टैंड में, बक्सर बस स्टैंड में सिद्धांत को देखें मुरेठा बांधे हुए था। टाइम अप हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ए ऑप्शन चाइना। याद रखिएगा चाइना दुनिया में नंबर वन पर है, चाइना। क्यों? क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी है, वो चाइना को सूट करता है। तंबाकू की खेती में ना मेहनत बहुत बड़ा नहीं लगता, एक बार रोक दीजिए हो गया। ऐसे इधर जो है महुआ के आसपास में, बिहार में महुआ के आसपास में, भारत आंसर हो गया, पोल लगाइए 1 2 3। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या है मेरे दोस्तों, पता ही है आपको। टाइम अप, करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना ही होगा। याद रखिएगा दुनिया भर में तंबाकू बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और तंबाकू में सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है नंबर वन पे। नंबर दो पे कौन है? तो ब्राजील है मेरे दोस्तों, ब्राजील। और तीसरे नंबर पे कौन है? तो इंडिया है, इंडिया। अब बिहार में कहां होता है? तो वैशाली जिला में महुआ में होता है ना। किस राज्य ने नवंबर 2020 में राज्य में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम एस्मा को लागू कर दिया? आपको पता होगा एस्मा कहां लागू कर दिया गया, यूपी, बिहार, पंजाब, एमपी। 1 2 3। हाँ बिल्कुल, उपरोक्त में से कोई नहीं, आंध्र प्रदेश में लागू किया गया है ना एस्मा कानून। टाइम हो गया, अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश। इसमें क्या होता है एस्मा के अंदर में, क्या होता है? यूपी ने लागू किया है, उसका नाम है यूपी एस्मा। यूपी एस्मा के अंदर में क्या होता है, राज्य सरकार के पास अगले 6 महीने तक के लिए जितने भी कर्मचारी हैं कोई हड़ताल नहीं कर सकते हैं, हड़ताल उड़ताल नहीं कर सकते हैं, मतलब इमरजेंसी कॉल है एक तरह से, याद रखिएगा उसको एस्मा कहते हैं। याद रखिएगा एस्मा का होता है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो है एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म भी, क्योंकि आजकल बहुत जरूरी है ये, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। अच्छा यूपी के गवर्नर कौन है जरा बताइए तो, और यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं ये भी बताइए। कोई भी राज्य लगा सकता, आनंदीबेन पटेल लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की, राज्यसभा। भारतीय संविधान बनाने के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, के एम मुंशी। पोल लगाइए 1 2 3। 32 नहीं 31 है, 31, 31। राज्यसभा 31 है और लोकसभा में 80 सीटें हैं। टाइम अप, करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन, बी एन राव होंगे मेरे दोस्तों, डी ना हो, बी एम राव होंगे, बी एन राव ही करेक्ट आंसर है। बी एन राव 1946 के अंदर में बने थे, संविधान के जो हमारे निर्माण हो रहा था उसके दौरान उनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। ये बी एन राव कौन थे? बी एन राव वही बी एन राव थे जिन्होंने भारत का यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेशन किया 1950 से लेकर 1952 में। और इसके अलावा ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जिसको कहते हैं यूएन, मतलब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष रहे थे 1950 में। सोच लीजिए कितने बड़े आदमी थे कि इनको यूएन में अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के रणनीति महत्व को विकास के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में मान्यता दी है और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई? बिहार में पहले सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग नहीं था, जब 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी, फिर 2004, 2005, 2006, 2007। तो पोल लगाइए 1 2 3। चलिए तो टाइम हो गया, अब करेक्ट आंसर हो गया, जब 2005 में, जब 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी तो नीतीश कुमार ने 2007 के अंदर में इस मंत्रालय की स्थापना कर दी है ना। बिहार सरकार ने इस मंत्रालय की स्थापना 2007 में कर दी, 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी, साथ में स्थापना कर दिया। आईटी क्षेत्र का है ना, आईटी क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए आपको पता ही है बहुत सारे बेल्ट्रॉन वगैरह क्या है इसी के माध्यम से, इसी के अंदर बेल्ट्रॉन आता है। बेल्ट्रॉन का नाम सुने होंगे आप, सुने हैं कि नहीं सुने हैं बेल्ट्रॉन का नाम, जो भर्ती करता है बेल्ट्रॉन। नेक्स्ट, ये मैप है मेरे भाई, ये हम देख नहीं पा रहे हैं, ये मेरा क्लास है, मेरा मैप, मैप का मैं टीचर नहीं हूं। नवंबर 2020 में सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? सुशील मोदी, तेज प्रताप, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार। पोल लगाइए 1 2 3। सर आई एम स्टाफ ऑफ बेल्ट्रॉन। बिल्कुल भाई, बेल्ट्रॉन बहुत अच्छी चीज है, एग्जाम भी होता है बेल्ट्रॉन का। बिल्कुल जागृति, तुम फेल कर गई थी बाबू की पास, ये बताना।
टाइम हो गया आप, करेक्ट आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार सातवीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे, 16 नवंबर को लिए थे, 16 नवंबर डेट था, 16 नवंबर को सातवीं बार मुख्यमंत्री बने थे। जदयू के हैं, बिहार से लोकसभा की सीटें 40 हैं, राज्यसभा की सीटें 16 हैं। बिहार का राजकीय पशु कौन है जरा बताइए तो, बिहार का राजकीय पशु कौन है? पशु गौर, बारहसिंगा कहां से? गीर, बैल नहीं है बगला, गौर है, गौर। और राजकीय पक्षी कौन है? बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। कौन है जी? गौरैया। भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसको प्राप्त करने के लिए, प्रस्तावना क्या चाहती है? भ्रातृत्व यानी फैटर्निटी बोलते हैं इसको, फैटर्निटी का एक और हिंदी होता है आप जानते हैं, पिछली बार मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। डिग्निटी यानी गौरव, विधवता यानी अखंडता, और इंटीग्रिटी। अंग्रेजी में ऑप्शन देख लीजिएगा, पोल लगाइए 1 2 3, थोड़ा फास्ट लगाइए आप लोग, बड़ा धीरे चल रहे हैं, बड़ा धीरे चल रहे हैं। 25 मिनट हो गया है, 21 सवाल हुआ है, टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। आपको पता है कि भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है, हमारे प्रस्तावना में विविधता को छोड़कर ये तीनों, यानी डायवर्सिटी को छोड़कर फ्रेटर्निटी, डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों के तीनों है। भारत की संभावना जो प्रस्तावना है, जो भारत का दिल है, भारत का गुर्दा है, भारत का धड़कन है, वो प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में, एक समाजवादी राष्ट्र के रूप में, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में, एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है। और बोलता है कि हम देश के सभी नागरिकों को सामान्य रूप से न्याय, सामान्य रूप से समानता, सामान्य रूप से स्वतंत्रता, सामान्य रूप से बंधुत्व को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है, याद रखिएगा। एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कौन नहीं जानता? एंग्लो वैदिक दयानंद सरस्वती, लाला हंसराज, आत्माराम पंडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। पोल लगाइए 1 2 3। डीएवी इसी को कहते हैं ना, डीएवी कॉलेज है ये, डीएवी कॉलेज है ना। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला हंसराज, याद रखिएगा। एंग्लो वैदिक कॉलेज है मेरे दोस्तों, एंग्लो वैली कॉलेज, यानी एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो एंग्लो वैदिक कॉलेज के लिए लाला हंसराज को जाना जाता है, याद रखिएगा। और दयानंद सरस्वती ने, डीएवी में पढ़ी हूं, दयानंद सरस्वती ने स्कूल के पार्ट को एस्टैब्लिश किया था, स्कूल वाला पार्ट जिसको आप डीएवी करते हैं ना, डीएवी, वो स्कूल वाला पार्ट इन्होंने लॉन्च किया था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक प्रायद्वीपीय पठार की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है? काली मिट्टी क्षेत्र, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, क्या पूछ रहा है? पेनिनसुलर, ओके। पेनिनसुलर में एकदम करिया करिया माटी मिलेगा, जन्म कर लो करिया करिया। टाइम अप, करेक्ट आंसर हो गया ए ऑप्शन, काली मिट्टी का क्षेत्र। काली मिट्टी का क्षेत्र मेरे दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप प्रायद्वीपीय पठार के इलाके में जाएंगे, वहां की विशेषता क्या होती है? तो काली मिट्टी मिलती है। इसी काली मिट्टी को आप क्या कहते हैं? लावा मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसी काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं, रेगूर मिट्टी के नाम से। काली मिट्टी एकदम चिकनी मिट्टी होती है, और क्या बोलते हैं उसको? दलदल, दलदल भी होती है, याद रखिएगा। लेटराइट आपको पता ही है, लेटराइट के अंदर में लोहा और एल्यूमिनियम मिलता है। लेटराइट आमतौर पर गर्म या गीले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। सीपीईसी परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ना है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। तिब्बत और बलूचिस्तान, बीजिंग और इस्लामाबाद, किंगई और क्वेटा, काशगर और ग्वादर, शायद ही कोई बना पाए। टाइम लगाइए पूरी। बहुत लोगों ने बना दिया, चलिए टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कासगर और ग्वादर। आपको पता है ना ये सीपीईसी प्रोजेक्ट कहां पर है? चीन और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम सुने हैं? देखिए सी मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सी का मतलब हो गया चाइना, पी का मतलब हो गया पाकिस्तान, ई का मतलब इकोनॉमिक, और सी का मतलब कॉरिडोर। अब क्लियर हो गया, तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो रास्ता बन रहा है, जो भारत के ऊपर ऊपर जा रहा है, आप देखे होंगे ना भारत के ऊपर ऊपर जो ये गुजर रहा है ये रास्ता, इसी रास्ते को हम कहते हैं, ठीक है ना। और ये किनको किनको कनेक्ट कर रहा है? तो ग्वादर पोर्ट है, आपको पता है ग्वादर होमरू जल संधि है, ग्वादर भी जल संधि भी है, शिपिंग का एक रास्ता भी है, आपको पता होगा। डाकघरों का सबसे बड़ा नेटवर्क निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? भारत नंबर दो पे है, तो नंबर वन पे कौन है, जहां से हम जीत के निकले हैं? रसिया, यूएसए, चाइना, भारत। 1 2 3। रितिका सिंह, रितिका आप इतना लेट क्यों हो गई? आप तो हमेशा टाइम पे आती हैं रितिका। अच्छा अभय प्रताप सर का क्लास था क्या?
अभय प्रताप सर का क्लास था। टाइम अप, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों भारत। याद रखिएगा, भारत ने दुनिया के अंदर में सबसे बड़ा डाक नेटवर्क, और डाक नेटवर्क में आपको पता होगा 1.5 लाख से ज्यादा डाकघर हैं, और लगभग 6 लाख कर्मचारी डाकघर में काम करते हैं। संसद मार्ग में इसका हेड ऑफिस है मेरे दोस्तों, और डाकघर भारत के अंदर में अधिनियम, किस अधिनियम से चलता है? 1890s। किसके समय में शुरू हुआ था, कोई बता सकते हैं? किसके समय में शुरू हुआ था? कर्नवालिस, ये वो, कुछ याद है? डलहौजी, बिल्कुल डलहौजी के समय में शुरू हुआ था। अल्फांसो डी अल्बुकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बोलता है कि अल्फांसो डी अल्बुकर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वह भारत के पहले पुर्तगाली गवर्नर थे। यही आंसर हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। पोल लगाइए, 1 2 3। तो टाइम हो गया, करेक्ट। याद रखिएगा, ये पहले नहीं थे अपने शासन के तहत, उन्होंने सती प्रथा को इन्होंने समाप्त नहीं किया। सती प्रथा में बेंटिक थे, विलियम बेंटिक। और ये जो अल्बुकर्क थे, ये कब आए थे? 1505 में इनको गवर्नर नियुक्त किया गया था, ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली गवर्नर के रूप में। चलिए खैर, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, गलत तो होता ही है ना, नहीं अगर होगा तो फिर सही कैसे होगा, ये बताइए। मास्टर कार्ड और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रोजेक्ट किराना का शुभारंभ किया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। पोल लगाइए, 1 2 3। टाइम अप, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखिएगा, यूपी के अंदर में प्रोजेक्ट किराना है। अब ये प्रोजेक्ट है क्या? व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट के अंदर में बेसिकली जो महिला उद्यमी हैं उनको विकसित करना है, उनको डेवलप करना है कि भैया आपको हेल्प करेंगे हम लोग, आप जो है बिजनेस करिए, बिजनेस करने के लिए इनको पूरा फैसिलिटी देना है। 26 का आंसर बी होगा। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहां स्थित है? उत्तरी प्रशांत सागर, दक्षिणी प्रशांत सागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। आयुष गिरी जी, अगर गलत है तो आप सही आंसर मार्क कर लीजिएगा मेरे भाई, है ना? टाइम अप हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर। शशि सर, अगर 1 लाख लाइन बोलते हैं, 1 लाख लाइन हम बोलते हैं, और उसमें 1 लाइन अगर गलत बोल देते हैं, तो आपका काम क्या है कि आप 1 लाइन पकड़ लेते हैं, लटक जाते हैं कि मैं हूं करण, मैं हूं अर्जुन, मैं हूं करण अर्जुन, वो का कहीं का। करेक्ट आंसर है उत्तरी प्रशांत सागर। याद रखिएगा, उत्तरी प्रशांत सागर कैसे? आपको पता है कि जो समुद्री अवशेष का एक संग्रह है, ये समुद्री अवशेष का मतलब क्या है? जो समुद्र और समुद्र के पानी और वो सब जाके जहां समाप्त हो जाता है, उसको हम कहते हैं पैच। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है सबसे प्रचुर मात्रा में? एंडोन्यूक्लीज, रेबिस्कोज, राइबोसोम, थाउमैटिन। नहीं नहीं आयुष भाई, आयुष तुम क्या बोल दिए, सॉरी तुम बोलोगे, तुम मेरा दिल इतना बड़ा है आयुष, और इस दिल में सिर्फ इतना ही जगह खाली है, इतना इस सारा एरिया में तुम इकलौते राज करते हो मेरे दिल में भाई, तुम ऐसा बिल्कुल कतई नहीं सोचना। करेक्ट आंसर हो जाएगा रूबिस्को। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मुझे भी बहुत डिटेल में नहीं मालूम है, बस इतना पता है कि रूबिस्को जो एक प्रोटीन होता है, ये पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप कहेंगे कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट एंजाइम होता है ना, क्लोरोप्लास्ट, उसी क्लोरोप्लास्ट एंजाइम के अंदर में इसको पाया जाता है, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोकप्रिय सहयोग का कारण नहीं था? भारत छोड़ो आंदोलन आप जानते भी हैं, बढ़ती खाद्य की तो में असंतोष था, लोगों की कीमतें बढ़ रही थी, शिमला सम्मेलन की विफलता थी, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की पराजय का खबर था, और दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों के साथ नस्लवादी आचरण था। पोल लगाइए, 1 2 3। कौन सा रीजन नहीं था? रीजन पूछ रहा है कि कौन सा रीजन नहीं था भारत छोड़ो आंदोलन में। टाइम अप। अरे भैया, शिमला समझौता कब हुआ था विफल? 1945 में। ये हुआ था 1942 में, तो ये 45 में कहां से आ जाएगा?
हाउ इज इट पॉसिबल? क्रिस्प मिशन फेलियर हुआ था, ब्रिटेन समझौता करने आया, पेशकश किया, हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। लोगों में असंतोष था, चावल, दाल, चीनी, टमाटर, मटन, चिकन, अंडा, बिरयानी, सबका दाम धीरे धीरे बढ़ रहा था। चिकन तंदूरी लोग 100 रुपए में खाते थे, 150 दाम हो गया था। तरह तरह के लोग परेशान हो गए। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन 500 शुरू किया था? ऑपरेशन 500, बिहार, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट अबाउट आंसर डी? जो भी व्यक्ति पूछ रहे हैं आंसर डी, पहले नाम तो लीजिए। हम आपका नाम क्या पर है? डॉट। वैसे आप डॉट लिखे हुए हैं, अरे मम्मी पापा नाम रखा होगा, लालटेन कुमार, ढिबरी कुमार, चटाई कुमार, कुछ तो नाम होगा, नाम रखिए। क्या पढ़े ऐसे? डॉट भाई ने बोला है कि डी ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर होगा करेक्ट आंसर। ऑपरेशन 500 क्यों शुरू किया गया था? ये आतंकवादियों को मारने के लिए किया गया था, आतंकवादियों को मारने के लिए, मार के गर्दा मचा दिया, धुआं उठा दिया। और लगभग लगभग 300 लोगों को खबर थी, इनपुट था कि 300 लोग जो है इसके अंदर में ऑपरेशन में आने वाले हैं पाकिस्तान से भारत, और पाकिस्तान इनको ट्रेनिंग दे रहा है। तो कश्मीर में ऑपरेशन 500 शुरू किया कि तुम 300 भेजोगे, 200 पहले से जो है उसको भी ठोक देंगे। नेक्स्ट, भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का एक हिस्सा था? गोंडवाना, यूरेशिया, अमेरिका, साइबेरिया। कोई क्वेश्चन है, सब जानता है कि जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टेक्टोनिक जब टकराया तभी ना हिमालय उमालय कुछ कुछ निकला। अच्छा, अंकित आयत जी आए हैं, नजर अभी पड़ गया। अंकित आयत जी का फॉरेस्टर वाला जो रिजल्ट था ना, वो कांस्टेबल में नहीं, जो एक ऑफिसर वाला पोस्ट था जिसमें लोग सब इंस्पेक्टर बनते हैं, फॉरेस्टर जिसको कहते हैं, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। भाई को बहुत दिल से बधाई। अब शायद एक उनका फिजिकल या कुछ रनिंग बाकी है ना। गोंडवाना करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोंडवाना। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि आप उसके लिए नहीं बने हैं, आप बने हैं बीपीएससी के। गोंडवाना जो है, भारत जो है गोंडवाना का हिस्सा होता था, आप जानते भी हैं। प्रायद्वीपीय पठार में सबसे पुराना पठार, सबसे पुराना भूभाग यही है। और गोंडवाना के टूटने से, बहने के कारण ये हुआ। बाद में दक्कन का पठार निकला, उधर केंद्रीय हाईलैंड्स निकले, मालवा का पठार आया, नर्मदा नदी आई, प्रायद्वीपीय पठार आया। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा पार करती है? पूरी दुनिया जानती है कि जमुना, गंगे च जमुने च गंगोत्री, है ना वो मंत्र है जी, गंगे च जमुने च गोदावरी च, कुछ ऐसे करके, माही, चंबल, नर्मदा, यमुना, पोल लगाइए, 1, 2, 3। बिल्कुल आपका मेरिट बन जाए रंजीत यादव जी, दुनिया की सारी खुशियां आपके दामन में है। टाइम अप, याद रखिएगा, माही रिवर। माही रिवर एक ऐसी नदी है भारत के अंदर में, माही एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा 2 बार, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान से ये माही निकलती है, राजस्थान से गुजरात आती है, तो गुजरात में पहले इसको एक बार मारती है, एकदम टनान से गुजरात में इसको काटती है। गुजरात के बाद माही जो है मध्य प्रदेश जाती है, फिर राजस्थान, गुजरात, इन राज्यों में फैला हुआ है। तो पहली बार इसको राजस्थान और दूसरी बार गुजरात, दोनों तरफ से इसको मारती है। तो पहले इसको एमपी में मारती है, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में जैसे ही ठोकती है उसके बाद ये फिर गुजरात आती है, गुजरात में भी इसको तनाक से क्रॉस करती है, याद रखिए। अच्छा, एक बात बता सकते हैं, माही कहां से निकलती है, माही का ओरिएंटेशन कहां से है? अब गाना मत गाने लगना, माही वे वाला, वो माही नहीं पूछ रहे, मध्य प्रदेश से निकलती है, बिल्कुल सही मेरे दोस्त, है ना। मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है, धार का नाम सुने हैं, धार, विंध, विंध वाला इलाका, विंध का ढलान, जो उत्तर साइड का ढलान है, विंध का उत्तर वाला ढलान है ना, वहां से निकलती है और जाके अरब सागर में गिर जाती है, याद रखिए, अरब सागर में गिरती है। भारत के अंदर में सुंदर वन किस प्रकार के वनों का एक अच्छा उदाहरण है? सुंदर वन सुंदर है, ऑलोमेटिक, पर्णपाती है, ज्वारीय है, आद्र पर्णपाती है, शुष्क वन है, पोल लगाइए, 1, 2, 3। बाबा रे बाबा, क्या आंसर मार रहा है। जया नाम की हमारी क्लास में स्टूडेंट है, जया तुम जो है 0.1 सेकंड, मम्मी घर से निकाल देगी तुमको, जया कीबोर्ड तोड़ दोगी तुम, कीबोर्ड टूट जाएगा 0.1 के चक्कर में,
ज्वारीय वन, याद रखिएगा ज्वारीय। क्यों ज्वारीय? क्योंकि ज्वार का मतलब क्या है कि ज्वार के जंगल वाला इलाका, यानी गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इन डेल्टाओं में ये विकसित होते हैं। जो ज्वार उच्च समुद्री लहरें होते हैं, लहर पर लहर आता है, उससे घिरा हुआ इलाका होता है, उसी को कहते हैं ज्वारीय वन। किसी वस्तु की गति, किसी वस्तु की गति को आगे या पीछे के रूप में जानना क्या होता? टाइम पीरियड, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, समय अवधि, कंपन आवृत्ति, आयाम। टू एंड फ्रो, याद है ना, इसे पढ़े थे ना। ऐसे मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, हिला दिए तो ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो होते रहता है। टाइम अप, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखिएगा वाइब्रेशन होता है भैया, वस्तु की गति को जब आगे जाएंगे पीछे आएंगे तो क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। कंपन दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र कंपन होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, और एक मजबूर कंपन होता है। दो तरह से कंपन होती है, एक मुक्त, जो स्वतंत्र कंपन है कब होता है? जब सिस्टम थोड़ी देर के लिए बाधित होता है, मार दिए हिल रहा है, बिना बाधा के वो चल रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। स्ट्रिंग ऐसे है, उसको मार दिया ऐसे ऐसे टन से कर दिया, हिल रहा है ऊपर नीचे, जब तक हम उंगली पकड़ कर रोकेंगे नहीं, रुकेगा नहीं, है ना, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किसने एल्कीन को इंगित किया है? 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, 64th बीपीएससी का। एल्कीन्स पूछा है, ध्यान रखिएगा एल्कीन्स। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहां पे कार्बन। किसका फोन है? ना, आधा घंटा और, 20 मिनट लगेगा। टाइम अप, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। याद रखिएगा सिंगल नहीं, डबल कार्बन बॉन्ड अटैच होते हैं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। तीन तरह के कार्बन का होता है, आपको पता है ना, कार्बन अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, पढ़े है ना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हाइड्रोकार्बन का सब खेला है, आपको पता है, और इसका फॉर्मूला भी होता है CnH2n+2, यही होता है ना अल्केन समूह का फॉर्मूला। और पहला सदस्य अल्केन का कौन होता है जी? तो मीथेन होता है मेरे दोस्तों। कौन होता है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। फॉर्मूला गलत लिखे हैं, CnH2n+2 नहीं होता है। हो सकता है गलत लिखे हो, मेमोरी कमजोर है, हो सकता है गलत लिख दिया हूं। एल्केन के लिए हम भी बोल रहे हैं, एल्केन के लिए ही। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो क्लास में करा चुके हैं, टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलिस्टरीन, पॉलीथीन, ये डिस्कस भी नहीं कराएंगे, करा चुके हैं 1, 2, 3। सर आपने अल्केन के लिए एकदम करेक्ट है, हाँ तो अल्केन ही तो हम बोले हैं मेरे भाई, अल्केन ही तो बोले हैं, और कुछ सुन लिए थे क्या? एगो में 2n-2 हो जाता है, तो 2n-2 किसका होता है? अल्केन्स का हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड से बनता है वो, है ना। नियोप्रीन ये डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कुछ है नहीं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन। नियोप्रीन क्या है? सिंथेटिक रबर का नाम सुने होंगे आप, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर की प्रजाति का है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है ये निर्माण होता है इसका। लोकसभा में बैठने का कोरम घर के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होता है? जो कोरम होता है ना, वो कोरम कितने लोगों का होता है? कितने लोगों का कोरम आपको पता है? 1/6, आधा, दो तिहाई, छठवां, दसवां, बोलना है कोरम। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए होता है, है ना। कोरम का मतलब क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूं। कोरम का मतलब होता है कि आज मान लीजिए कि हम बोलेंगे कि आज क्लास में ना 10 लोग आए हैं, क्लास होगा कि नहीं होगा? तो वैसे ही संसद की कार्यवाही चलेगी कि नहीं चलेगी, उसके लिए अटेंडेंस जरूरी है। तो कोरम जो है ना, कोरम क्या है? मिनिमम अटेंडेंस है, मिनिमम अटेंडेंस की। मान लीजिए, मान लेते हैं कि 100 लोग लोकसभा में टोटल मेंबर है, इसका 10% आना चाहिए, यानी 10 लोगों का अगर अटेंडेंस है तभी लोकसभा और राज्यसभा में से कोई भी सदन चलेगा, मतलब न्यूनतम है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 500 लोगों का हाउस है, 50 लोग नहीं आए हैं, अब मान लीजिए कि 40 लोग आए हैं, तो हाउस को नहीं चलेगा, लेकिन ये अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, अगर अध्यक्ष चाहे तो वो चला सकता है। भारतीय राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन नहीं जानता है? सरोजनी नायडू, पोल लगाइए, 1 2 3। बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया। चलिए नेक्स्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। मेरे दोस्तों पहली पूछ रहा है, पहली एनी बेसेंट, और भारतीय अगर पूछ देता, इंडियन अगर पूछ देता तो सरोजनी नायडू, याद रखिएगा। यही थी ना एनी बेसेंट, थियोसोफिकल सोसाइटी 1889 के अंदर में राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष इस कब बनी थी, होम रूल की इन्होंने स्थापना की थी एनी बेसेंट ने 1916 में, ये भी पता होगा। 1925 में सरोजनी नायडू, आज ही आपको सुबह में बताए, कानपुर के अंदर में होम रूल 1916 में, 1917 का जो अधिवेशन था उस 1917 के अधिवेशन में अध्यक्ष बन गई, अध्यक्षता इन्होंने, पहली महिला अध्यक्ष यही बनी सरोजनी नायडू। आपको बताइए हैदराबाद में पैदा हुई थी, पहली भारतीय 1925 में चुनी गई, और पहली महिला राज्यपाल का भी नहीं ख्याल जाता है, संयुक्त प्रदेश के यानी रूप में ये राज्यपाल का ये की थी, यूपी जिसको आप कहते हैं, आप यूपी मतलब उत्तर प्रदेश जिसको आप कहते हैं, उसी उत्तर प्रदेश। महानदी नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? पूरी इंडिया जानती है, महानदी कहां से घुसती है? पोल लगाइए, 1 2 3। हाँ, भारत को कीला सब बहुत सारी बातें हैं। टाइम अप, याद रखिएगा किशनगंज जिला से, मेरे दोस्तों बिहार का किशनगंज जिला आप जानते हैं, वहीं से महानदी निकलती है, महानदी बिहार में घुसती है। और अब पहले ये बताइए कि महानदी निकलती कहां से है, तो सिक्किम से निकलती है मेरे दोस्तों। कहां से निकलती है? सिक्किम से निकलती है ना, उसके बाद ये बंगाल भी जाती है, आपको ये भी पता है, बाकी आपको सब कुछ ये सब पता है। कमला नदी है, मधुबनी से कौन प्रवेश करती है बिहार में? कमला नदी मधुबनी में प्रवेश करती है, नेपाल के महाभारत वहां से निकलती है, महाभारत पर्वत श्रृंखला से। उसके अलावा बदला घाट अगर पूछ दे बदला घाट तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। लिंग्विस्टिक श्रीभर है, बिल्कुल मेरे भाई लिंग्विस्टिक श्रीभर ही है। सही निर्देश, सही और सबसे उपयुक्त विकल्पों का चयन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक सूफी संत की कब्र को किस रूप में जाना जाता है? सूफी संत पूछ रहा है, खानकाह, ईदगाह, गुलफरोश्न और दरगाह। सूफी संत, टाइम अप, करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन, दरगाह। याद रखिएगा दरगाह, दरगाह क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सूफी संत हुआ तो दरगाह। अब आप कहेंगे सर खानकाह किसको कहते हैं, तो खानकाह चिश्ती अगर संप्रदाय है, चिश्ती संप्रदाय के जो आपको सूफी संत होते हैं उनके निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। ईदगाह किसको कहते हैं? ईदगाह एक सार्वजनिक जगह होती है जहां पर लोग ईद अल फितर की या ईद अल अजहा की, सुबह की या ईद की नमाज पढ़ते हैं, उसको ईदगाह कहते हैं। दरगाह आपको मैंने बता ही दिया, इस्लाम के अंदर में प्रसिद्ध सूफी संत। अच्छा, गुलफरोश्न किसको कहते हैं? अगस्त के महीने के अंदर में दिल्ली के महरोली में सभी समुदाय को बुलाया जाता है और बुला के फूलों का त्यौहार मनाया जाता है। कोई किसी पर गुलाब फेंकता है, तो कोई किसी पर रजनीगंधा फेंकता है, कोई किसी पर तुलसी फेंकता है, मतलब तरह तरह के फूल पौधे जो हैं एक दूसरे पर फेंके जाते हैं, उसको हम कहते हैं गुलफरोश्न, याद रखिएगा, है ना। बिमल नहीं फेंकता है जी, बिमल शिखर नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? क्वाड, जापान, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। टाइम अप, याद रखिएगा जर्मनी करेक्ट आंसर होगा। आपको पता है यहां पे है अमेरिका यहां से घेरता है जापान को, जापान इधर घेरता है ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया यहां आ जाता है इंडिया को, और इंडिया यूएस, यहां बीच में फंस जाता है चाइना, और ये साउथ चाइना सी, ये दोनों फंस जाता है। यही खेल हो रहा है जो चल रहा है ना, आजकल बड़ी नाम न्यूज में है। अक्टूबर 2020 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया? अरुण कुमार, एम राजेश्वर राव, आईजी पटेल, रघुनाथ सिंह। स्पीड सही है ना जी, स्पीड एकदम ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना स्पीड में, स्पीड इज परफेक्ट ना एकदम टनाटन। मारो थम्स अप लगा के, दबा के लाइक मारो उसका, थोड़ा मेरा भी जोश हाई करो, डाउन हो रहा है, अभी 7 क्वेश्चन बचा हुआ है, मारो बटन तोड़ दो, मार के आज एकदम सर्वर डाउन करा दो, इतना मारो लाइक कि सर्वर लेना बंद कर दे,
ले ही नहीं पाए कि लाइक हो रहा है कि नहीं हो रहा, पता नहीं चले उसको कंप्यूटर को। करेक्ट आंसर है एम राजेश्वर राव। भाई मेरे नाम 21,000 लाइक का रिकॉर्ड है, 21,000 लाइक 4 मिनट के अंदर में पड़ा था, 4 मिनट में 21,000 लाइक, ये रिकॉर्ड मेरे नाम पर है पूरे अनअकैडमी में। मैं कह रहा हूं फिर से, पूरे अनअकैडमी में मेरे नाम पे है ये रिकॉर्ड, जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी जहां तक जानकारी है, मुझे जितना पता है उस हिसाब से। चलिए तो एम राजेश्वर राव याद रखिएगा, एम राजेश्वर राव याद रख लीजिएगा, ये डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के बने में थे, अभी ये कार्यकारी निदेशक थे। ये किसके जगह लिए थे, तो एनएस विश्वनाथन हटे थे, एनएस विश्वनाथन। ना ना आज नहीं तोड़ना है मेरे भाई, हम नहीं तोड़ना है रिकॉर्ड, नहीं तोड़ना है, यहां ध्यान रखो। $160 मिलियन के अनुदान के साथ बिहार की पंचायत को मजबूत करने के लिए 5 साल की परियोजना को किसने लोन दिया है, किसने लोन देगा? आपको पता ही है ना IMF किसको देता है, किस टाइम में IMF लोन देता है, आपको बता रखा हूं। वर्ल्ड बैंक कब देता है आपको पता ही है, पोल लगा दीजिए 1, 2, 3। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में पैसा कौन देता है और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के टाइम में पैसा कौन देता है, डिसाइड कर लीजिए। टाइम बार बार कहे हैं कि अवसंरचना को बनाने के लिए विश्व बैंक देता है, और इनस्टेबिलिटी अगर फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आती है, वित्तीय कोई उथल पुथल मचती है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हमेशा ही अपने मेंबर कंट्रीज को ही लोन देते हैं, और बिहार को भी इसने $160 मिलियन का लोन दिया है 5 साल के लिए, बहुत बड़ी बात होती है, वेरी बिग थिंग इट इज। 45 नंबर, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ऑस्कर, एवेंजर, गली बॉय, पैरासाइट, जोकर, पोल लगाइए 1, 2, 3। आज दिल नहीं लग रहा है पढ़ने में, पढ़ने में माथा लगाना होता है, दिल नहीं, बोका कहीं की। चलिए तो करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन, सी पैरासाइट। याद रखिएगा इसी मूवी को अक्सर मिला है, ऑस्कर मिला है, ये 92nd ऑस्कर था, याद रखिएगा 92nd, बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है ये, और ये अंग्रेजी में है। कौन भाषा में है? अंग्रेजी में नहीं है, गैर अंग्रेजी भाषा में है, ध्यान रखिएगा। यह साउथ कोरियन फिल्म है मेरे भाई, कोरियन नहीं, साउथ कोरियन। नॉर्थ कोरिया में तो फिल्में नहीं बनता है, नॉर्थ कोरिया में फिल्म एक के आदमी बनता है, और वही जो किंग जांग जुंग जो है वही बैठ के देखता है अकेले थिएटर में, हम ही देखेंगे फिल्म, बनाओ मेरे सामने फिल्म बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं? मेरे दोस्तों बहुत इजी है, अगस्त ऑफर, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, इजी क्वेश्चन है, पोल लगाइए 1, 2, 3। टाइम अप, करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1919 को हम क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, और आपको पता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है, और 1921 के अंदर में मेरे दोस्तों 1921 के अंदर में इसको किस नाम से जाने लगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाने लगा। और इसमें सबसे बड़ा क्या हुआ था, सबसे बड़ा काम, दो भागों में विभाजित कर दिया गया था प्रांतीय विषय को, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित, और भारतीयों को जोर लिया गया था, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है उस कार्यकारी परिषद के अंदर में भारतीयों को जोर लिया, जोड़ने के बाद बोला कि तुम सभी जो है भारत की संसद के प्रति उत्तरदायी होगे, इस बात का ध्यान रखना, बात खत्म हो गई, इतना ही था। विनोबा भावे के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही के रूप में किसको चुना गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी। मेरे दोस्तों पोल लगाइए 1, 2, 3। और मुझे एक बात बताना है आपको कि अगर आप SSR 10 का रेफरल कोड अभी तक यूज नहीं किए तो आज भर कर सकते हैं, अगर आज लास्ट डेट है ऑफर का, 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, यानी आपको मिलेगा 14 महीने का सब्सक्रिप्शन। SSR 10 का रेफरल कोड लगाइए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको पता है कि सबसे पहले कौन थे, तो विनोबा भावे थे, गांधी जी को मानने वाले थे, और पंडित गांधी जी ने क्या किया था कि हर इलाके में कुछ चुने हुए व्यक्तियों को बैठा दिया था कि व्यक्तिगत आधार पर तुम एक सत्याग्रह शुरू करो, तुम बैठ जाओ यहाँ पे और सत्याग्रह शुरू, और ये बैठाने वाला आदमी कौन, तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने बिठाया था सत्याग्रह। और सत्याग्रही चाहते क्या थे, वो बोलते थे कि युद्ध के खिलाफ जो भागीदारी हो रही है उसमें जो है हमें अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए, हमें अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए, याद रखिए, ठीक है, क्लियर। और पहला कौन, पहला विनोबा भावे कब, 17 अक्टूबर, याद रखिए। भारत में गर्म मौसम के स्थानीय तूफान निम्नलिखित फसलों में से किसकी वृद्धि में सहायता करते हैं, मतलब गर्म और तूफानी आएगा तो कौन पौधा तेजी से बढ़ेगा, कौन, आम, कॉफी, चाय, सरसों,
लगाई, लेकिन ना एक काम करिए, रुक जाइए, अरे गलत लगा दिया, एक सेकंड एक सेकंड, तूफान आएंगे, नहीं सही तो है सर, सुनिए ठीक है, फिर से लगा लीजिए पोल, सही है, हमको कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा, टाइम अप, करेक्ट आंसर हो गया ई ऑप्शन, सरसों में नहीं करेंगे, आम में होगा, कॉफी में होगा, चाय में होगा, जैसे आप नाम सुने होंगे आम्र वर्षा का, नाम सुने होंगे आम्र वर्षा, आम्र वर्षा जब होती है गर्मी के दिन में तो आम जल्दी पक जाता है, कॉफी के लिए आप सुने होंगे, कॉफी के लिए आप सुने होंगे, या फिर ब्लॉसम सावर का नाम सुने होंगे, उसमें चाय पत्ती, चाय का जो पेड़ होता है और कॉफी का जो पेड़ होता है, ब्लॉसम सावर कहते हैं, जूट, चावल, खेती और इन सब चीजों के लिए बड़ा बेहतरीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दलों द्वारा चुनौतियों का सामना करते हैं, कौन सा राजनीतिक दलों द्वारा चुनौतियों का सामना करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को क्या प्रॉब्लम होती है, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, पहले के ऑप्शन में आंसर आ गया तो आगे जाने की कोई जरूरत है, गतिशील, अतुत्तराधिकारी, धन और पेशीय शक्ति पर निर्भरता, वाचारिक मतभेद, उनमें से कोई नहीं, पोल लगाइए, 1 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन मेरे दोस्तों, ई ऑप्शन। देखिए एक राजनीतिक दल जो भारत में होता है वो तमाम तरह की चीजों को फेस करता है, जैसे उनके यहाँ, जैसे बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है तो वहां मोनोपोली चलने लगता है, जबकि लोकतंत्र होना चाहिए, तो इसलिए कहते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र का अभाव हो जाता है। मान लीजिए गतिशील उत्तराधिकार है, सक्सेसर चुनने का अधिकार नहीं है, धन और पेशीय शक्ति पर निर्भरता में बदी, जितना ज्यादा पैसा उतना पावरफुल, और वैचारिक मुद्दे होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, किसने कहा साइमन कमीशन रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए, निकालो और फेंको कूड़ा, एमके गांधी, बस बचा ही नहीं कुछ अब, चलिए पोलिंग लगाइए। टाइम अप, करेक्ट आंसर है शिव स्वामी अय्यर, आपने पता होगा शिव स्वामी अय्यर कौन थे, ये अय्यर ने कहे थे, मद्रास के रूप में ये मतलब लॉयर हुआ करते थे, लॉयर है ना, इनका पूरा नाम क्या था, पूरा नाम पद्मानरी सुंदरम शिव सैयद है ना, ध्यान रखिए। तो ये हो गया इधर, रेफरल कोड मेरा बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, SSR 10। अगली क्लास कल सुबह कितने बजे, तो कल सुबह 8 बजे फ्री क्लास होगी, कल सुबह 8 बजे, ध्यान रखिए, ठीक है अपना। और याद रखिएगा आज हमने 1 घंटा से कम में क्लास को क्लोज किया है, अभी मात्र 58 मिनट हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बेहद पसंद आया होगा मेरे दोस्तों, क्लास को लाइक करिए और मेरे प्रोफाइल को आप फॉलो कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन प्लस कोर्सेज के नहीं लिए हैं तो लीजिएगा, और हाँ फीडबैक बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्लास आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, क्लास आपको कैसा लगता है, या क्लास में आप कुछ और सुधार चाहते हैं तो वो भी जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने स्वजनों का, मम्मी पापा भाई बहन सबका ख्याल रखिए, दादा दादी इन सब चीजों का ख्याल रखिए, और आराम से रात में ज्यादा देर तक मोबाइल मत चलाइए। मोबाइल नहीं चलाने का एक उपाय है कि इंटरनेट बंद कर दीजिए, इंटरनेट बंद करने के बाद फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से दूर रहिए, और वो समय जो है हमारे प्लस कोर्सेज के अंदर में हमारे एजुकेटर का वीडियो देखकर बिताइए, निसंदेह आप जीवन की ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपना ख्याल रखिएगा, शुभ रात्रि, सबा खैर, गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। जी उज्जवल वर्मा जी कर सकते हैं, उज्जवल वर्मा जी कर सकते हैं, दोबारा दिखा दूं, सत्येंद्र पटेल जी आपका नाम ले लिया, बहुत शुभकामनाएं हैं
सत्येंद्र भाई आपके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं, मैं चाहता हूं जीवन में आप सफलता और ऊंचाइयों को, सभी बच्चे मेरे अपने जीवन में सफलता और ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ईश्वर उन्हें उनके मेहनत के अनुरूप उनको सफलता से नवाजे, जो बच्चा जितना मेहनत करता है ईश्वर उनको उतनी ऊंचाई वाली सफलता दें, मेरी शुभकामनाएं यही होती हैं आप सभी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर मैंने आपको मैसेज किया है, मैं आपको मैसेज देख लूंगा, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।